मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने खुद के कस्टम टाइटल्स कैसे बना सकते हैं और इसको सेव कैसे कर सकते हैं, जब भी हम आपको, जैसे कि हमको नया वीडियो बनाना है तो हम उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे तो, और जो हमने पहले जैसे बनाया था वैसे का वैसे ही वो आ जाए। तो सबसे पहले मैं अपना एक वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ इसमें। अब मैं यहाँ पे टाइटल्स पे जाऊंगा। जैसे मैंने अपने ये बना के रखा है तो जब भी मेरे को कोई, जैसे आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो आता है इंट्रो, तो वो बस मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो मैंने एक कस्टम बना लिया है। सबसे पहले मैं जाऊँगा लोअर थर्ड्स में, तो मैं एक, जैसे ये टाइटल अभी डालना है इस पर, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसको ये। मैं जैसे इस वीडियो को प्ले करता हूँ, तो ये आपका आ रहा है डिफॉल्ट। तो अब उसको एडिट करना है तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक कीजिए तो ये आपकी हेडिंग आ गई। तो जैसे आपको यहाँ से टाइटल ऐड करना है तो ये, जैसे मैं करता हूँ बीच, मैंने यहाँ पे आगे भी डाल दिया। अब आपको इसकी पोजिशन सेट, इसकी आपको पोजिशन सेट करना है इसको, तो अब यहाँ से इसको कहीं भी ऐड ले जा सकते हैं। मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ अभी। जैसे आपके यहाँ पे उसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई से भी लीजिए जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे साइज भी आप इसके चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है ना। अब जैसे इसको आप सेव एज कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे हमेशा के लिए करना है तो वन के नाम से मैं इसको कस्टम सेव भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे आपने यहाँ पे टाइटल, आपने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लिया, इसका फॉन्ट चेंज कर लिया, इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर लिया, प्रीसेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे करना हो तो। ये देखिए ये हो गया ना, तो जो डिफॉल्ट है मैंने वही कर दिया। ओके, और यहाँ पे इसका एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, इसे डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये एनिमेशन आ रहा है। और जैसे आपको और भी एनिमेशन को चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते, डबल क्लिक करिए तो देखिए ये एनिमेशन भी चेंज हो रहा है इसका, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे ये एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप उसको एडवांस में भी जाके कर सकते हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें एडवांस में भी जाके कर सकते हैं। एडवांस में भी आप इसको यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड करना है कि नहीं वो भी जैसे चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं मेनली, जैसे हम यहाँ पे उसको एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मैं प्ले करता हूँ उसको, ओके, तो जैसे ये आ रहा है। अब ये फेड इन यहाँ से होगा, ये देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए यहाँ से हो रहा है। हम लोग को पहले ही इसको फेड आउट करा देना है, तो यहाँ पे ऐसा आप कर सकते हैं देखिए। जैसे ये देखिए ये टेक्स्ट चला जाएगा और ये इसकी बैकग्राउंड रह जाएगा इसको, तो मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, अब नहीं जाएगा ये क्योंकि अब मैंने उसको पूरा ही कर दिया। अभी जब तक ये बैकग्राउंड रहेगा तब तक ये टेक्स्ट भी रहेगा इसमें, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ से ऐसा ये सब कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने जैसे आपको देखा तो इसमें एनिमेशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है तो एनिमेशन भी मेरे को जैसे कि ये वाला करना है तो ये मैं कर सकता हूँ। तो कोई सा भी हम लोग एनिमेशन चाहे तो वो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे एनिमेशन से जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्ले कर देता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए एनिमेशन आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, और फिर आपको सेव एज कस्टम भी कर सकते हैं। ओके,
नहीं कर देता हूँ मैं इसको, ये मैं इसको कर देता हूँ एट ऐड नाम दे के, तो ओके कर देता हूँ। तो जब भी आप जैसे आपने यहाँ पे एक टाइटल बनाया, ये दूसरा बनाया, तो ये आपको आ गया है। और जब भी आपको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये वाला आ गया जो हमने एनिमेशन इसमें चेंज किया था। तो ये हो गया है ना, इसके हम लोग टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं और हम लोग इसको एनिमेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमारा कस्टम हो गया है। अब हम आते हैं ओपनर्स में। जैसे कि जब भी आप देखते होंगे किसी वीडियो के, जब भी कोई स्टार्ट होता है तो कोई इंट्रो आता है, तो वो जैसे इसमें आते हैं। जैसे मेरे को मान लो ये यूज़ करना है, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ वीडियो को, क्योंकि पहले करना है ना, तो इसलिए हम मेरे को यहाँ पे करना है ना। जैसे कि मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, तो ये देखिए ये टाइटल ही आ रहा है ना, तो ये आ रहा है। मेरे को इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे करूँगा, तो मेरे को जैसे अपने चैनल का नाम देना है, तो ये मैं जैसे चैनल का नाम है तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। मान लो मेरे को उसको छोटा भी करना है साइज में, तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, कुछ भी पोजीशन जैसे यहाँ से करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ ताकि वो सही लगे, है ना। तो मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, ये देखिए आ रहा है ना। अब मेरे को इसका एनिमेशन चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पैड में, यहाँ से भी कर सकते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, तो मैं यहीं से कर दूँगा। जैसे अब पहले इसमें नीचे से आ रहा है तो मेरे को ऐसे चाहिए, तो मैं ऐसा कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ फिर से, ये देखिए यार एनिमेशन इसका चेंज हो गया है। थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो ऐसा एनिमेशन कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसमें एडवांस में जाता हूँ। अब यहाँ से आप एडवांस में जाके आप खुद का अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आप अपना शेप भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको शेप ऐड करना है यहाँ पे, जैसे ये देखिए तो ये सब भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो जैसे कुछ भी डाल, जैसे सब्सक्राइब नाम डालना है मेरे को यहाँ पे, है ना। और जैसे मेरे को उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमको टेक्स्ट भी कोई ऐड करना है, कुछ शेप भी ऐड करना है, और यहाँ पे हम कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई इमेज हो जो आपको दिखानी है यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे एडिट, ये भी कर सकते हैं आप चाहे तो उसका एनिमेशन भी दे सकते हैं। ये देखिए हाँ, तो ये एनिमेशन भी मैंने उसको दे दिया है, तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कभी चालू हो यहाँ पे तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं आप ऐसे, तो देखिए यहाँ हो रहा है ना एनिमेशन इसमें, तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी एनिमेशन दे सकते हैं। जी देखिए सब में एनिमेशन आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे आपको जैसे कि कोई से भी वीडियो पे टाइटल ऐड करना, तो ऐसे कर सकते हैं, अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको अगर ओपनर दिखाना, जैसे कि आपको कोई भी अपना वीडियो जब चालू होता है
तो आपको जैसे अपना कुछ भी टेक्स्ट डालना है तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सब्सक्राइब का बटन दिखाना है यहाँ पे वीडियो में, तो सब्सक्राइब का बटन दिखा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने अपने यहाँ पे कस्टम सेव कर रखा है ये, तो वैसा भी कर सकते हैं, है ना, जो आपकी मर्जी हो वो सब आप चीज़ें कर सकते हैं इसमें। जैसे ये देखिए, ये एनिमेशन है, ये ऐसा लिखा रही है एनिमेशन कि मैंने सेव कर लिया है, तो ये हमेशा आपको दिखाता रहेगा ये सब, जब भी मैंने वीडियो की शुरुआत में ये सब इंटर किया है। और आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कि आप यहाँ पे अपना ऑडियो भी डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको इंट्रो में ऑडियो भी डालना है तो यहाँ पे आप जाके ऑडियो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो में कवर किया है पहले में, तो आप जाके वो देख सकते हैं। सो ये हमारे हैं कुछ टाइटल सेव करने के तरीके और चेंज करने के तरीके। एनिमेशन उसमें डाल सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएटिव कर सकते हैं इसमें। तो सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और जो भी आपकी मर्जी चाहे तो वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। बहुत सारे टाइटल्स मिल जाएंगे आपको, टाइटल्स हैं जैसे आपको कहीं भी दिखाना है ये है, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप एडिट भी कर सकते हैं, खुद का ही बना सकते हैं, इमेज डाल के, शेप डाल के, सब टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स भी डालना है तो वो भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से। जो भी आपकी मर्जी हो तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे, एंड क्रेडिट्स डालना है जैसे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे आपको कस्टमाइजेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें आपके ऑप्शंस में है। यहाँ पे एडिट करना, बस एडवांस में चले जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपको मन चाहे, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। एनिमेशन डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रीसेट करना है यहाँ पे, आप अपना टाइटल खुद का नया ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, इमेज कोई सी भी अपनी ऐड कर सकते हैं, उसका एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।